से एक बार स्वागत है भारत उदय समाचार की विशेष रिपोर्ट में। मैं हूं जगजीत। आपको बता दें, मैं दादरा नगर हवेली सिलवासा में हूं और आलोक जो गणेश उत्सव मंडल है, मैं वहां पर पहुंच चुका हूं। लगातार बहुत सालों से यहां पर गणपति उत्सव मनाया जाता है और आप सबसे बड़ी बात आपको बता दें पॉजिटिव कि यहां पर 11 दिन कुछ न कुछ बच्चों के लिए आयोजन किया जाता है। और सबसे बड़ी एक बात बता दें कि यहाँ पर महाआरती हुआ है। महाआरती का कवरेज आप देख रहे हैं। आगे आइए, लोगों से बात करते हैं, उन्होंने कितना एंजॉय किया है। प्रसाद वितरण का ये दृश्य आप देख रहे हैं, जो मंच पर प्रसाद वितरण हो रहा था। आप देख सकते हैं ये जो महिला है वो अभी गणपति बप्पा का आरती कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। आगे आइए, विशेष कवरेज देखिए। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों को बताइएगा। और आपको बता दें कि आगे आइए और देखते हैं कि लोगों ने किस तरह से एक दूसरे को गुलाल लगाया है, गणपति बप्पा का कैसे विसर्जन हो रहा है, कैसे लोग विदा कर रहे हैं नम आँखों से। आगे आइए देखते हैं पूरा। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, क्या वर्षी मोरिया, क्या वर्षी मोरिया, आपको भी तो लगाना है ना। अरे हम लोगों ने किसका हो? आगे लो जोर, फोटो मत खींचो, जोर लगाने बोल रहे हो। मूवमेंट मूवमेंट, फोटो खींचाने मत रहो। सेवा किया है, आज विसर्जन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला यह गणपति का महापर्व आज विसर्जन की तरफ जा रहा है। हमारे आलोक स्टाफ क्वार्टर्स के सभी मेंबर, सभी भक्तगण बहुत ही अच्छी तरह से बप्पा की 10 दिनों तक सेवा की और आज बड़े ही दुखी मन से बप्पा को विदा कर रहे हैं। 11 दिन तक आपने क्या क्या प्रोग्राम किया है उसके बारे में? 11 दिन तक हमें यहाँ बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम, डांस, 1 मिनट शो, म्यूजिकल चेयर, स्पोर्ट्स, बाकी हाउजी वगैरह, 1 मिनट एक्ट, विभिन्न प्रकार के बच्चों का प्रोग्राम और मटकी फोड़, लेडीज का कार्यक्रम, भजन, रंगोली, मेहंदी, ये सब सारे कार्यक्रम हुए। और कल महाप्रसाद का भी आयोजन रहा जिसमें हमारे सभी भक्तगण बहुत ही अच्छे तरीके से महाप्रसाद का आनंद लिए। कैसा रहता है सोसाइटी के लोगों का, मतलब मिला जुला जो? हमारे ग्रीन पार्क सोसाइटी के लोग बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छे मन से बप्पा की सेवा किए। लोगों में बहुत ही उत्साह रहा, बहुत ही अच्छा भाव से लोगों समय से आरती पूजा विभिन्न प्रकार के जो भी उत्सव हुए यहाँ पे सब में लोगों ने अच्छा सहयोग प्रदान किया। आज बच्चों का एक्सप्रेशन देख के क्या कहना चाहते हैं जो बच्चों का? सभी बच्चे, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, सभी आज दुखी हैं क्योंकि बप्पा हमारे बीच से विदा हो रहे हैं। हम यही उज्जवल कामना करते हैं कि बप्पा अगले साल कुछ नया, कुछ बढ़िया,
हर्षोल्लास के साथ हमारे बीच जल्दी पधारें ताकि भक्तगण फिर उनके भक्ति में लीन हो। क्या नाम आपका? इंद्र बहादुर सिंह। दुखी है कि पापा आज 10 दिन के बाद में जा रहे हैं, इसके लिए हमारे पूरे सोसाइटी का सहयोग मिला है, इसके लिए पूरे सोसाइटी को धन्यवाद, थैंक यू, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा रहा गणपति का ये त्यौहार, हर संभव बच्चे का सहयोग, इतने बच्चे के अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, सब अच्छी तरह से गणपति को हम लोगों ने सोसाइटी की तरफ से क्या प्रदेशवासियों को शुभकामना देना चाहते हैं? बस सोसाइटी वार्टिस्ट को देना चाहते हैं कि वो भी स्वच्छ रख के जो भी हो एकदम इको फ्रेंडली गणपति को ले। प्रदेशवासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, जो प्रदेश है दादरा नगर हवेली, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं इस कॉम्प्लेक्स के जरिए, सोसाइटी के? हाँ, इस कॉम्प्लेक्स के जरिए मैं यही प्रदेशवासियों को सूचित करना चाहते हैं कि जो भी हो शांतिपूर्वक जैसे सभी लोग मिल के रह के ऐसे ही गणपति पापा का हर्षोल्लास से मनाते रहे। संजीव।